नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, एक खतरनाक पागल पागल खाने से भागा हुआ है और इसी तरफ आते हुए देखा गया है। तुम्हारा आती जाती गाड़ी को आगाह करना और खुद भी होशियार रहना, समझे? जी साहब। चलो। अरे यार, चोर डकैत स्मगलर आतंकवादी तक तो ठीक था, मगर साला आजकल पागलों के लिए भी नाकाबंदी करनी पड़ रही है। क्या हुआ? मैडम, एक खतरनाक पागल पागल खाने से भाग गया है। रास्ते में होशियारी से जाइएगा। ओके, थैंक यू। परसों से मैनेजर बनकर इसकी गुलामी कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि ये कभी तो मुझ पर मेहरबान होगी, लेकिन आज तक इसने मुझे उस नजर से देखा ही नहीं। करोड़ों की जायदाद, ना कोई आगे ना कोई पीछे, कल कोई अनजान आदमी इसका जीवन साथी बनकर करोड़ों की दौलत, जायदाद और बिजनेस का वारिस बन जाएगा, और मैं
मैनेजर का मैनेजर ही रह जाऊंगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मनीष, ये क्या किया तुमने? अभी तो सिर्फ तस्वीर पर गोली चलाई है मिस सपना जी, अब तो तुम्हारी पारी है। गुड बाय मिस सपना, गुड बाय। नमस्कार मालकिन। नमस्ते। अंदर मैनेजर साहब आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। नमस्ते सपना जी। नमस्ते मनीष, इतनी रात गई और तुम इस वक्त यहाँ? सपना जी, आपकी अमानत आप तक पहुंचा बगैर मुझे नींद कैसे आ सकती है? ये पिस्तौल किस लिए? सपना जी, दौलत जितनी बढ़ जाती है दुश्मन भी उतने ही बढ़ जाते हैं। That's true. मगर मुझे पिस्तौल की जरूरत नहीं, ये तुम ही रख लो। अच्छा ठीक है। सपना जी एक बार गिन तो लीजिए, पूरे 10 लाख हैं। मेरी तुम पर जो विश्वास किया है वो लाखों का नहीं करोड़ों का है। ठीक है। रामू काका जी, पैसे तिजोरी में रख देना जी। अच्छा रामू काका, चलता हूँ। आज कॉफी नहीं पियेंगे? नहीं आज नहीं, थैंक यू। तो मर गई थी, जिंदा कैसे हो गए? जिंदा कैसे हो गई तू बेवफा? मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा मैं तुझे। मधु, मधु, मुझसे दूर भाग रही है तू, किधर किधर भागेगी तू? तब तो पहले भी भाग गई थी तू, अब मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। लगता है ये भैया पागल है। मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा मैं। चुप बैठ। तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? धोखा दिया है तूने, तू भाग गई थी। लेकिन अब तो मैं आ गई हूं ना तुम्हारे पास। मेरे पास? हाँ सच? नहीं, तू तू झूठ बोल रही है, फिर बुद्धू बना रही मुझे तू। हाँ नहीं नहीं, मैं तुम्हें बुद्धू कैसे बना सकती हूँ? तुम तो कितने समझदार हो, कितने बुद्धिमान हो, कितने होशियार हो और कितने अच्छे हो। सच? हाँ। फिर तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? मजबूरी थी, हालात के मारे। हालात के मारे? मैं मार डालूंगा हालात को, हालात को मार डालूंगा मैं। नहीं, 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 तुम तो कितने अच्छे हो और अच्छे लोग किसी को नहीं मारते। अच्छा, तो फिर मैं किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन तू मुझे छोड़कर मत जाना। हा? तू नहीं थी ना तो सब लोग मुझे मारते थे, डांटते थे, पागल कहते थे। अच्छा? मुझे कोई भी खाने को नहीं देता था, पीने को भी नहीं देता था। अब मैं आ गई ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? हाँ? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हाँ? मैं अभी आई। ठीक है। मधु आ गई, आ गई। पानी पी लो। तुम पिलाओ।
हेलो पुलिस स्टेशन। Yes, can I help you? आप? जी मैं इस इलाके का आईजी हूँ, सूर्यकांत वर्मा। क्या आप इन्हें पुलिस स्टेशन फोन किया था? जी हाँ, वो पागल उस कमरे में है। जाओ जाकर उसे ले आओ जल्दी। उस कमरे में। और संभाल के, बहुत खतरनाक है वो। आईजी साहब, आप मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? शायद आप यही सोच रहे हैं ना? एक अकेली लड़की ने ऐसे खतरनाक पागल को कैसे भस्मी कर लिया? आईजी साहब, मैं दिमाग की डॉक्टर हूँ, एक साइकाट्रिस्ट हूँ। किसी भी पागल को अपने बस में कर लेना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मधु, थैंक यू वेरी मच। मधु? सॉरी, मेरा नाम मधु नहीं, सपना है। ओह आई सी। मधु डॉक्टर जल्दी। जय राम जी की। हमारे काम में जान का जोखिम भी है और मौत का खतरा भी, मगर याद रहे हमारा नाम तुम्हारी जबान पे कभी नहीं आए, और काम भी हो जाए वक्त से डर नहीं तो मर। अरे कहा बात कर रहे तो बाबू, तुम्हार नाम आमड़ी जबान पर तो कहा, जौनो जबान पे आएगा ना, वो जबान के साथ साथ वो नाम भी इस दुनिया से मिटाई देंगे। हाँ हेलो, मैं आईजी वर्मा बोल रहा हूँ, सपना जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए, मैं सपना ही बात कर रही हूँ। सपना जी, मुझे आपसे बहुत ही खास बात करनी है, अगर आप हमारे घर आए तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपके घर? जी देखिए, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आपका आना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आती हूँ, अपना पता बता दीजिए। वो आएगी नहीं आएगी, 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 वो आ गई। सपना। हेलो सर, हाउ आर यू? वेरी फाइन थैंक यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ। जिस तरह इन तस्वीरों को देखकर तुम धोखा खा गईं, उसी तरह करण भी तुम्हें देखकर धोखा खा गया कि तुम मधु हो। मधु? हाँ मधु, जिसे वो खो चुका है लेकिन भूल नहीं पाया। उसमें और तुम्हें फर्क है तो सिर्फ नीली आंखें। नीली आंखें? ये देखो।
तस्वीरें मधु की है? हाँ, उस पत्थर दिल लड़की मधु की है जिसने करण के साथ एक हंसती खेलती सपनों की दुनिया का आईना बनाया और फिर उस आईने पर एक ऐसा पत्थर मारा कि टूटकर बिखर गई मेरे बेटे की जिंदगी। आपका बेटा? हाँ, करण मेरा बेटा है। आओ। आएगी नहीं आएगी? वो आएगी नहीं आएगी? आएगी। आपने इसे घर में क्यों रखा है? क्योंकि जब से उसने तुम्हें देखा है उसमें काफी परिवर्तन आ चुका है। वो तुम्हें मधु समझता है। लेकिन लेकिन मधु कहाँ है? दौलत के लालच में किसी और का हाथ थामकर विदेश चली गई। करण ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और मधु के गम में पागल हो गया। मेरे बेटे की जिंदगी में एक नई सुबह तुम ही ला सकती हो। जी? मैं कुछ समझी नहीं। अगर कुछ समय के लिए तुम मधु बन जाओ तो शायद करण की दिमागी हालत ठीक हो सकती है। मैं मधु? I'm very sorry सर, ये नामुमकिन है। सॉरी। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ तुमसे, तुम तो एक दिमाग की डॉक्टर हो, क्या मेरे बेटे को दिमाग का मरीज समझकर उसका इलाज नहीं कर सकती? मैं झोली फैलाकर अपने बेटे की भीख मांगता हूँ, मुझे नाउम्मीद मत करना। प्लीज आजी साहब, ऐसा मत कीजिए, मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त दीजिए। देखिए देखिए, मैं रात रात भर अपने बेटे को जागता तड़पता नहीं देख सकता, इस बेबस लाचार बाप पर रहम खाइए प्लीज। अल्ट्रा देखिए देखिए, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। आप ही बताइए, आप मुझे क्या करना चाहिए? एक तीर से दो शिकार। अभी आया। हाँ तो सपना, तुम पूछ रही थी कि उस पागल के इलाज के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। जी सर। सपना, पागलपन का ये केस तो एक चैलेंज है तुम्हारे लिए, डू इट। मगर सर, बात यह है कि मुझे करण के दिमाग का इलाज डॉक्टर सपना बनकर नहीं बल्कि उसकी महबूबा मधु बनकर करना पड़ेगा। मरीज को सही हालत में लाना डॉक्टर का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। सर, क्या आपको विश्वास है कि मैं उसे ठीक कर सकूंगी? बेटी, जितना विश्वास मुझे इस जहरीली गैस पर है उससे हजार गुना ज्यादा विश्वास मुझे तुम पर है कि तुम करण को पागलपन की दुनिया से बाहर निकाल लाओगी, क्योंकि तुम उसकी महबूबा मधु की हमशक्ल हो। सर, मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? मेरी जबान ने आपको सर कहा है मगर दिल ने हमेशा आपका पिता माना है। I'll do it, sir. I wish you all the best. मधु, नहीं, मधु याद है पिछली उस रात जो तूफान लाया था वो? तुझे याद नहीं मधु? वो मधु, तू चली गई तो सब चला गया। तू आएगी ना मधु? मधु मधु